नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले रविवार को हरियाणा भाजपा को बड़ा झटका लगा। भाजपा के हिसार से सांसद विजेंद्र सिंह कांग्रेस में शामिल हो गए। ऐसे में कांग्रेसियों का उत्साह भी बढ़ा हुआ दिखाई दिया। रविवार को रेवाड़ी विधानसभा के गांव गोकलपुर में विकास कार्यों का उद्घाटन करने पहुंचे कांग्रेसी विधायक चिरंजीव राम ने यहां तक कह दिया कि तीन और सांसद कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं। वहीं बढ़ती वारदातों को लेकर सरकार को घेरते हुए कहा कि हरियाणा में जंगल राज चरम पर है। पहले यूपी व बिहार का नाम लिया जाता लेकिन अब हरियाणा में हालात बेहद खराब है। वहीं यह भी कहा कि हरियाणा में भाजपा कमजोर है, इसके चलते ही दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री बुलाने से लेकर पीएम को दो दो बार बुलाना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, कहा कि क्षेत्र के लोगों के लिए दुर्भाग्य है कि राव यहां से सांसद हैं। लोगों से आह्वान किया कि इस बार वोट सोच समझ कर दें। अब आपको दिखाते हैं किस तरह से तमाम सवालों के जवाब पर रेवाड़ी से कांग्रेसी विधायक चिरंजीव राव आक्रामक नजर आए। आज हमारा कार्यक्रम करीबन 5 गांव में है। अभी हम गोकलपुर गांव के अंदर आए हैं और यहां पर एक शिलान्यास का और पत्थर हम लोगों ने रखा है और मेरी ये कोशिश रही पिछले 4.5 साल के अंदर जितना हो सके हर गांव के अंदर समान रूप से विकास कराएं, तो उसी के तर्ज के ऊपर आज हमारे यहां पर कार्यक्रम था। एमपी के सीएम हरियाणा के दौरान लोकतंत्र की मजबूती बता रहे हैं भाजपा को। देखिए, आज आप लोगों ने भी देखा होगा कि चौधरी वीरेंद्र सिंह जो कि कांग्रेस पार्टी के पुराने नेता थे, जिन्होंने पिछले दिनों में आज से 10 साल पहले बीजेपी ज्वाइन की थी, आज वो कांग्रेस पार्टी के अंदर वापस शामिल हो रहे हैं। इससे पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी लगातार मजबूत होने का काम कर रही है। उसी के साथ आज तीन और सांसद ऐसे हैं जो कांग्रेस पार्टी के अंदर वापस आज के दिन ही शामिल हो रहे हैं, तो हमें पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं कि कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ लोकसभा का चुनाव लड़ेगी और लोकसभा का चुनाव हम लोग जीतेंगे और विधानसभा का जब चुनाव आएगा कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। देखिए, अब ये इस बात का फैसला तो भाजपा जजपा करेगी कि उनका अलायंस होएगा नहीं होएगा, पर आप लोग भी देखिए कि कोई ना कोई कारण है कि प्रधानमंत्री जी को लगातार पिछले एक महीने में दो बार हरियाणा के अंदर आ रहे हैं। इससे पता चलता है कि उनकी जो नींव है हरियाणा के अंदर कमजोर हुई है और हमें पूर्ण रूप से उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी 10 की 10 लोकसभा सीट जीतेगी और कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ खड़गे जी का, राहुल जी का और सोनिया जी के हाथ मजबूत करेंगे। देखिए, ये अपने आप बताता है कि जब दूसरे प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को यहाँ आना पड़ जाए प्रचार करने के लिए, ये दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी कितनी मजबूत हरियाणा के अंदर हुई है। और ये भाजपा के लोग ये कहते हैं कि 10 की 10 सेट सीटें ये लोग जीतेंगे और आज आप रोज आए दिन देख रहे हैं कोई ना कोई नेता इनकी दूसरी पार्टियों में जाता है। इससे साफ तौर पे दर्शा रहा है कि कांग्रेस पार्टी मजबूत हो रही है, भाजपा लगातार कमजोर होती जा रही है। आप देखिए, आने वाले समय के अंदर अब तो आचार संहिता लगने ही जा रही है, तो कितना रोजगार दिया है ये तो हम सब लोगों ने देखा है। आप लोगों ने भी देखा होगा सीएमआई के जब डाटा आए थे उसके अंदर हरियाणा बेरोजगारी में लगातार पिछले 6 साल से नंबर 1 आ रहा है, तो इससे साफ तौर पर दर्शाता है कि आज रोजगार युवाओं के पास नहीं है। आज आप देखिए, हमारे देश के युवाओं को, हरियाणा के युवाओं को ये लोग यूक्रेन भेजने लग रहे हैं जहां युद्ध हो रहा है। इससे पता चलता है हरियाणा में कितने रोजगार है। देखिए, कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। पिछले दिनों में आप लोगों ने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी 39 सीटें डिक्लेयर की हैं। आज हमारी मीटिंग है स्क्रीनिंग की, कल हमारी सीईसी होगी और हमें पूर्ण रूप से उम्मीद है कि जल्द कांग्रेस पार्टी अपनी लिस्ट जारी करेगी। आप देख रहे हैं लगातार जो घटनाएं हैं वो हम लोगों के सामने आ रही है। पिछले दिनों में एक पूर्व विधायक जो दो बार रहे, एक मुख्य विपक्षी दल है INLD उसके प्रदेश अध्यक्ष है उनको इतनी गोलियां मारी गई, फिर एक सरपंच है करनाल के उनको गोलियां मारी गई और फिर ये घटना होना, ये दर्शाता है कि आज अपराध बहुत ज्यादा हरियाणा के अंदर फैल गया है। पहले यूपी और बिहार के लिए कहा करते थे जंगल राज है, आज सही मायने में अगर कहीं जंगल राज है तो हरियाणा के अंदर है। आप देखिए, पिछले 50 साल में आज तक हरियाणा के अंदर पॉलिटिकल मर्डर नहीं हुए और इसी तरह का पॉलिटिकल मर्डर जो हमारे नफे सिंह राठी जी का हुआ, ये दर्शाता है कि भाजपा के राज के अंदर जंगल राज अपने चरम के ऊपर है।
देखिए वो तो लगातार हम लोगों ने देखा है कि पिछले विधानसभा चुनाव के अंदर भी अपनी बेटी के लिए टिकट मांग रहे थे। मेरा ये मानना है कि लोग जब चुनाव में आए वोट डालने जब जाएं, जब जरूर देखें कि ऐसे व्यक्ति को चुने जो उनके सुख दुख में उनके बीच में रहता हो, जिन्होंने उनकी परेशानियों के सबब को उठाया हो। कोरोना काल जब था, जब आपके ये सांसद जो थे क्या वो आपके बीच में रहे, क्या उन्होंने आपके दुख दर्द समझे? तो मुझे लगता है लोगों को भी समझना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहिए जो उनके बीच में रहे, उनकी बातों को उठाए। क्या हमने हमारे सांसद को एक बार विधानसभा के अंदर संसद के अंदर देखा कि लोगों की आवाज़ को उन्होंने उठाया हो? केंद्र के वो मंत्री रहे हैं, आज हम लोगों ने जब यहाँ पर पूछा लोगों से तो लोगों को यही नहीं पता कि उनके पास मंत्रालय कौन सा है। तो मुझे लगता है ये बड़ा दुर्भाग्य रहा है इस इलाके का कि एक ऐसे सांसद हमारे रहे हैं जिन्होंने जनता के दुख दर्द नहीं समझे, ना ही जनता की आवाज़ को उठाया।